अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रा आकुलर इंजरीज के यूक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा हुआ है एक वेल्डर है तो वेल्डिंग कर रहा है, उसको आई में इंजरी हो गई है, तो कौन सी टाइप ऑफ इंजरी क्या है? तो मैकेनिकल इंजरी है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है। इसकी जो इसमें सिनेरियो में पूछते हैं ना, सिनेरियो में बताया हुआ है सडन ऑनसेट होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव सेंसेशन होती है, लैक्रिमेशन होती है, फोटोफोबिया होता है, यूनिलेटरल, ठीक है, वेल्डिंग अगर कोई इंजरी हुई है तो लाजमी तो नहीं है ना वो दोनों में जाए, यूनिलेटरल होती है टिपिकली। इसके अलावा ब्लेफरोस्पैज्म हो सकता है। तो नेक्स्ट उसमें ये पार्ट है अगला कि हम इमीडिएट मेजर क्या करेंगे। इसमें हमने एस एल ई कराना है आफ्टर फ्लोरेसेंस स्टेनिंग, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करानी है, उसके बाद एस एल ई कराना है, एस एल ई स्लिट एग्जामिनेशन, ये बेस्ट मेथड है। इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जो क्वेश्चन आया हुआ है डिलेड इफेक्ट्स बताएं, तो कॉर्निया का इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सर हो सकता है, इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल क्वेश्चन है कि कॉजेज ऑफ ब्लंट ट्रॉमा कंडीशन, ब्लंट ट्रॉमा की वजह से जो कंडीशन हो रही है उसके कॉजेज क्या हैं। तो सबसे ट्रॉमा हुआ है ना, तो ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ है, एक तो लेंस प्रोलैप्स कर गया है, दूसरा आयरिडेक्टमी हो गई है, ठीक है, उसके आयरिडेक्टमी की आयरस की वजह में ट्रॉमा की वजह से ना यूनिकुलर डिप्लोपिया हो जाता है और आयराइडोडोनेसिस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा लेंस प्रोलैप्स कर जाता है, उसकी वजह से ये जो कंडीशन आती है ना ब्लंट ट्रॉमा की वो आती है। इसके अलावा कॉजेज उन्होंने यही बताए हुए हैं कि डायरेक्ट ब्लो हो सकता है आई बाल को, किस किस से लग सकता है, वैसे बॉल से या क्रिकेट बॉल से, इसके कॉजेज या तो डायरेक्ट ब्लो लगा है ना। इसके अलावा एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो सकता है, जो इस केस में होगा हुआ है, जो सिनेरियो में आया है। इन्होंने पूछा है कि इसके अलावा इसकी फाइंडिंग्स बताएं, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो में आता है कि फंडस एग्जामिनेशन हम करेंगे तो नॉर्मल आता है, इसके जो फर्दर एग्जामिनेशन कॉम्प्लिकेशन है उसको हमने देखना है कॉर्निया में, आयरस में, सिलियरी बॉडी में, ठीक है, और इसके अलावा एंटीरियर चैम्बर में। तो कॉर्निया में सबसे पहले देखेंगे तो कॉर्निया में क्या होना है, कॉर्निया के जो एपिथेलियम है ना उसकी एब्रेजन हो जानी है। इसके अलावा कॉर्निया में एडिमा हो जाएगा और डिसमस मेम्ब्रेन है ना जो कॉर्निया की उसमें ब्रेक आ जाता है। आयरस की बात कर लें तो इसमें ट्रांजियस मियोसिस हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो रहा है आयरस की, आयरस कंप्रेस हो गया ना उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो रहा है तो मियोसिस हो रहा है। इसके अलावा ट्रोमेटिक मिड्रियासिस हो रहा है, मियोसिस भी हो रहा है और मिड्रियासिस भी हो रहा है, ठीक है। मिड्रियासिस को कह रहे हैं आयराइडोप्लेजिया, ठीक। मिड्रियासिस क्यों हो रहा है, स्फिंक्टर मसल पिपिलरी मसल रप्चर कर गया है उसकी वजह से मिड्रियासिस हो रहा है। आयराइडो डायलिसिस एक वो क्या था, आयराइडो प्लेजिया, ये आयराइडो डायलिसिस है। इसमें क्या होता है कि ना आयरस जाके आयरस अपनी जो इंजर्शन है ना वहाँ पे उतर नॉर्मली किस कहाँ पे लगा हुआ है सिलियरी बॉडी के साथ रह जाता है वहाँ से उतर जाता है आयराइडो डायलिसिस। तो सिनेरियो में उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ कि आयराइडो डायलिसिस इन द सुपीरियर क्वाड्रेंट और उसकी वजह से यूनिओकुलर डायप्लोपिया होता है, ठीक है, ये आयराइडो डायलिसिस दिखाया हुआ, ठीक है। आयरस सिलियरी बॉडी से डिटैच हो गया है उसके बाद उसको हम कंडीशन को हम कहते हैं आयराइडो डायलिसिस। इसके अलावा क्या बात, एक तो मियोसिस हुआ, मिड्रियोसिस हुआ, यूवियाटिस हुआ, मिड्रियासिस को आयराइडो प्लेजिया भी कहते हैं, आयराइडो डायलिसिस हुआ, इसके अलावा यूवियाटिस हो जाता है। यूवियाटिस में क्या होता है, पेन, फोटोफोबिया और टीयरिंग होती है। इसके अलावा एनिरिडिया हो जाता है, एनिरिडिया क्या होता है कि आयरस बिल्कुल ही ख़त्म हो जा उतर जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर तो पूरी पूरा 360 डिग्री पे आयराइडो डायलिसिस हो जाए, मतलब सारा का सारा आयरस निकल जाए ना, तो इसको हम कहते हैं एन आयराइडी, एन नहीं है आयरिडा डिया। सिलियरी बॉडी में क्या होता है, हाइपोटोनी हो जाती है, इसके अलावा एंगल रिसेक्शन हो जाता है। हाइपोटोनी क्यों होती है, क्योंकि सिलियरी बॉडी ब्लंट ट्रॉमा की वजह से सिलियरी शॉक हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से। इसके अलावा एंगल रिसेक्शन हो जाता है, एंगल रिसेक्शन क्यों होता है, क्योंकि सिलियरी बॉडी में टियर आ जाता है उसकी वजह से एंगल रिसेक्शन हो जाता है। एंगल जब बंद हो जाएगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगल रिसेक्शन ग्लॉकोमा। एंगल रिसेक्शन होता क्या है, एंगल रिसेक्शन ना टियर होता है, सिलियरी बॉडी के दो तरह के मसल होते हैं ना, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, इन दोनों मसल्स के दरमियान में अगर टियर हो जाए तो हम उसको कहते हैं एंगल रिसेक्शन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइफीमा हो जाता है, हाइफीमा क्या होता है, ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर, ठीक है। अब इसकी वजह से ग्लाकोमा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एंगल रिसेशन ग्लाकोमा। अगर टीयरिंग 50% से ज़्यादा हुई हुई है ना तो उसको हम उसकी वजह से ग्लाकोमा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये हमने जो पहले बात की थी एक्स्ट्रा आकुलर फॉरन बॉडीज़ की बात की थी, फिर कंट्यूजन इंजरीज की बात की, फिर इंट्रा आकुलर फॉरन बॉडीज़ की बात की, ठीक है।
इंट्राकुलर फॉरेन बॉडीज़ की ना उन्होंने मैनेजमेंट पूछी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमने वही चार प्रिंसिपल, जो मेन बात, सबसे पहले हमने हिस्ट्री लेनी है, फिर एग्जामिनेशन करना है, फिर हमें लोकलाइजेशन करना है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन से लोकलाइज करेंगे ना, इसके बाद हमने ट्रीटमेंट करना है। हिस्ट्री में हमने देखनी है कि नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी कैसी है। एग्जामिनेशन में क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमने विजुअल एक्टिविटी उसकी चेक कर ली, फिर उसके बाद देखना है हम कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ से एंटर हुई है और कहाँ से एग्जिट हुई है, साइट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसके बाद देखना है इंटीरियर सेगमेंट में क्या डैमेज है, और फंडस एग्जामिनेशन करनी है ताकि हम देख सकें पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या डैमेज हुआ हुआ है, ठीक। लोकलाइजेशन में हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ विजुअलाइजेशन है। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन में हम डिग्स से देख लेते हैं, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप देखना है एक तो, ठीक है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप देखना है। ऑप्थेल्मोस्कोप दोनों तरह के है, डायरेक्ट दोनों इसमें हम देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देख सकते हैं, गोनियोस्कोपी से देख सकते हैं, इसके अलावा SLE स्लिट लैप एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स में हमने एक्सरे कराने हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है, एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी USG भी जिसे कहते हैं, CT आ जाता है, MRI आ जाता है, प्लेन एक्सरे जो हमें ऑर्बिट के कराने हैं, प्लेन एक्सरे भी लिम्बर रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में ए स्कैन कराना है, बी स्कैन कराना है, अगर तो कोई मेटेलिक फॉरेन बॉडी है ना तो फिर हमने MRI नहीं कराना। ट्रीटमेंट की बात कर लें तो हमने सबसे पहले तो टेटनस की कवरेज देनी है, टेटनस की सारी एंटीबायोटिक्स देनी है, क्योंकि फॉरेन बॉडी है ना। उसके बाद फॉरेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से प्रोफिलैक्टिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। अगर अब दो कंडीशन हैं, या अगर इंटीरियर सेगमेंट है तो फिर हम लिम्बस से जाएंगे और फॉरेन बॉडी को रिमूव करेंगे, अगर तो पोस्टीरियर सेगमेंट में चले गई है ना तो मेटेलिक बॉडी है तो हमने उसको मैग्नेट से रिमूव कर देना है, ठीक है। और या हम पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी करेंगे और फोर्सेप्स के जरिए उसको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ का सिनेरियो आएगा, ठीक है, आता है इस सिनेरियो में कि मेल्स में ज़्यादा होता है सेल्फ हीलिंग और यंगर में होता है, 20 इयर्स एज दी बताई हुई है सिनेरियो में। पूछे हैं कि जो एंगल ऑफ आई पे जो मटेरियल होता है वो कौन सा है, तो वो लेंस प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद सिनेरियो में बताया हुआ है कलेक्शन ऑफ वाइटिश एंगल इंफीरियर एंगल पे ना वाइटिश मटेरियल होता है, इस बी स्कैन पे कोई विट्रिएटस में नहीं मिलता हमें। इसके अलावा जो वियर एक्विटी होती है ना उसकी 6/60 बताई हुई है, मतलब वियर एक्विटी रिड्यूस हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि चेंजेस इन लेंस, लेंस में क्या चेंजेस आती हैं, तो लेंस में या तो कैटरेक्ट हो सकता है या लेंस डिसलोकेट या सब लोकेट कर सकता है। अब वो कह रहे हैं अगर तो पोस्टीरियर कैप्सूल को कोई मसला नहीं हुआ, पोस्टीरियर कैप्सूल लेंस का ठीक है, तो फिर हम मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम मैनेज क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है और इंट्राकुलर लेंस इम्प्लांटेशन करनी है।